नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज हम प्रफुल जी से बात करने हैं, प्रफुल राजगुरु डिस्ट्रीब्यूटर्स हैदराबाद से। तो पहले हम आज थोड़ा हम एजमैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे अभी तक हम एजमैक्स के बारे में बहुत बात नहीं की है, तो एजमैक्स राउटर्स एंड स्विचेज क्या है, एजमैक्स और क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ प्रफुल, थोड़ा बात कर सकते हैं हम आप ऐसे एजमैक्स क्यों यूज करते हैं, उसमें क्या फायदा होता है? So like हम लोग गुड मॉर्निंग ऑल एंड वाई वी आर मीन्स हम लोग क्यों एजमैक्स यूज करते हैं, स्पेशली राउटर्स एंड स्विचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज अ UNMS है इसके अंदर, सो विच वी कैन एबल टू मॉनिटर आवर ऑल एज राउटर्स एंड एज स्विचेस वाया क्लाउड। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट व्हाट वी कैन गेट इट। एंड उसके बाद में जो सबसे अच्छा फ्यूचर है आप देखते हैं ER-X राउटर्स, ER राउटर्स आई मीन टू से, जो लाइक यू कैन आप लोग बहुत सारे VPN, बहुत सारे DSAP एंड एवरीथिंग यू कैन एबल टू यूज इन द, एंड इवन यू कैन आप इन सबको कन्वर्ट स्विचिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड सबसे अच्छी कि इसकी कॉस्ट इफेक्टिव एंड गीगाबिट स्पीड पोर्ट्स के साथ में जो आती है। सो आप यदि कंपेयर करेंगे दूसरे वेंडर्स OEM से तो इनकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी है एंड परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत हाई पावर, जैसे 150 यूजर्स भी है, उसके साथ में आपके कैमरेज भी हैं, आपके एक्सेस पॉइंट्स भी है, तो सारे यूजर्स को ये अच्छी तरह से मैनेज कर लेता है, उनकी पूरी ट्रैफिक वगैरह को अच्छी तरह से मैनेज करता है वो। ओके गॉट इट। ऑफ कोर्स हमारा एज राउटर हमारा एक प्रोडक्ट लाइन है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और आप मुझे पता है कि आपने यहाँ से भी बहुत प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो आप कैसे चूज़ करते हैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें? डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कौन से राउटर्स यूज़ करें डिप्लॉयमेंट के लिए? लाइक हम लोग को किसी भी कस्टमर को ये पूछते हैं कि लाइक आपका इंटरनेट स्पीड कितना है, कितनी इंटरनेट लाइन आ रही है, और आपके वर्क एनवायरनमेंट में कितने लोग, आपको कितने यूजर्स और आपके कितने डिवाइसेस मैनेज करने हैं, और कौन से टाइप के डिवाइसेस आप मैनेज करने वाले हो। सो मेजरली सबसे पहले हम लोग जैसे आप देखेंगे ER-X है, तो ER-X तो हम लोग बाय डिफॉल्ट सब कस्टमर्स को हम लोग सजेस्ट करते हैं टू प्योरीफाई देयर बैंडविथ। जो बैंडविथ अच्छी तरह से नहीं आता है, थोड़ा रुक रुक के आता है, तो उसके लिए ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए वी यूज द ER-X राउटर। बट हाँ, ER-4 एंड ER-6P दे आर द क्वाइट हाई रेंज प्रोडक्ट है वो, और उसमें स्पेशली 2 से ज़्यादा लाइन्स है, 4 लाइन है या 5 लाइन है, इंटरनेट को टर्मिनेट करना है और सबको लोड बैलेंसिंग करना है, तो प्योरली राउटिंग फीचर के लिए हम लोग ER-4 और ER-6P, ER-8 वो सब राउटर्स हम लोग सजेस्ट करते हैं। हाँ, बट बाई डिफॉल्ट फॉर एनी सोल्यूशन हम लोग ER-X तो पोर्ट करते ही करते हैं, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द बैकबोन, वो जो नेटवर्क का है सबसे ज्यादा बैकबोन ER-X के ऊपर डिपेंडेंट करता है। ओके गॉट इट। और आपने थोड़ा ये एजमैक्स का सॉफ्टवेयर के बारे में आपने बात किया है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? आप कॉन्फ़िगरेशन में आप बोल रहे कि इजी कॉन्फ़िगरेशन है, उसका क्या मतलब है? हाँ, इसमें लाइक यू हैव विजार्ड है, यू कैन जस्ट विजार्ड को बना करके इसको स्ट्रेट अवे आप इसको लाइक यू कैन स्टार्ट कॉन्फ़िगर यूजिंग योर विजार्ड। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आपने कभी यूनिफाई नहीं तो सिस्को यूज किया, तो ये सिस्को कोडिंग CLI के हिसाब से भी इसको आप अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड इसका QS वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो हमको लगता है, तो इज अ वेरी अब देखिए बहुत ईजी टू यूज है ये वाला, और आपको कभी ना कभी लाइक मीन्स इट्स अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मोर मैटर करता है इसके अंदर में। But yes, people are starting with the wizard. It will be really good for them, like this. और काफी आप इंटरफेस देखेंगे तो काफी नीट एंड क्लीनली फीचर्स को रखा हुआ है, तो ये बेसिक नॉलेज ऑफ L2 काइंड ऑफ ये बहुत अच्छा स्विच है और बहुत इजी टू कॉन्फ़िगर है। Okay, and of course, if you don't know that yet, हमारा सब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सब फ्री है, सब ऑनलाइन से डाउनलोड हो सकता है, कोई भी हमारे डिवाइसेस में भी कोई भी लाइसेंसिंग फीस नहीं है, तो ये एक ऑल्सो बहुत बड़ा बेनिफिट है जो भी यूबिक्विटी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। और फिर ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो आप DPI भी यूज़ करते हैं आपके क्लाइंट्स के साथ? Yes, very much. Deep packet inspection is like one of the best feature in the Ubiquiti and which is very cheaper. आप जैसे दूसरे ब्रांड देखेंगे लाइक एनी फायरवॉल कंपनी स्टार्टिंग लाइक Fortinet या समथिंग, they are charged बहुत ज़्यादा उनके ज़्यादा चार्जेस हैं। प्रोडक्ट स्टार्ट विद अराउंड 40-45K एंड उसके बाद में उनकी लाइसेंसिंग एवरी ईयर आपको पे करनी पड़ती है विच इज कॉस्ट 9,000 to 10,000 रुपीज़। इसके अंदर तो इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और कोई लाइसेंसिंग नहीं है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज द DPI के साथ में आप कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिक्योरिटी वाइज योर वंडरफुल, एक बहुत अच्छा फीचर यूबिक्विटी ने दिया है इसके लिए। या सो ऑफ कोर्स DPI के साथ हमारा आपका पूरा फायरवॉल रूल्स और वो सब भी हो सकता है जो आप ऐसे दूसरे फायरवॉल टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप एवरी मंथ एवरी ईयर आपको बहुत पे करना चाहते हैं, तो यहाँ यूबिक्विटी एज राउटर में कुछ भी रिकरिंग फीस नहीं होता है। तो ये बैंडविड्थ कंट्रोल बहुत लोग बात करते हैं बैंडविड्थ कंट्रोल के बारे में, ये क्या होता है और ये आप कब यूज करते हो? सी बेसिकली लाइक नाउ आप अभी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा OTT यूज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, है ना। एक होम यूजर ज़्यादा है जहाँ पे वर्किंग फ्रॉम होम कंडीशन बहुत ज़्यादा है, किड्स आर बच्चे भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और मेजरली लाइक यू नो उसके साथ में एंटरटेनमेंट भी चाहिए क्योंकि 4-5 घंटे घर पे काम करने के बाद में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। तो जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया और बहुत सारे बेनिफिट, तो उनको एक यू नो स्पीड देखी जाती है, उनको एक डाउनलोडिंग दिया जाता है क्योंकि इंटरनेट क्या रहता है कि लाइक बहुत सारे ISP 100 GB या 200 GB या 400 GB एज पर द प्लान वो लोग देते हैं, बट ईयर के मंथ के एंड तक ये डेटा पूरा कंज्यूम हो जाता है एंड दे फाइनली वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट रिचार्ज वगैरह पूछते हैं 100-200 रुपीज़ एज पर द डाउनलोडिंग डेटा। तो उस समय भी इफ हमारे पास में QoS फीचर है तो हम लोग बैंडविड्थ अच्छी तरह से एज ए फर्स्ट डे से हम लोग उसको मैनेज करते हुए चले तो अपना मंथ एंड तक अपना जो प्लान है उसके हिसाब से वी कैन एबल टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली द बैंडविड्थ टिल लास्ट 30th या 31st को भी, नहीं तो फिर अपना बैंडविड्थ 20-22 तारीख के बाद में अपना बैंडविड्थ चौक होना चालू हो जाता है, राइट। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक अर्लियर आई मेंशन QoS फीचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज राउटर के अंदर और फॉर होम यूजर के लिए स्पेशली लाइक जो स्टार्टिंग मॉडल यूज करते हैं ER-X Pro, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये। ओके, और मैंने देखा कि आपने वो हमारा एक केस स्टडी भी किया था जो हमारा कम्युनिटी पे है और वहाँ पे आपने लोड बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा बात किया था कि आप कई ऑफिसेज में 2 इंटरनेट लाइन्स जाते हैं और 2 WAN लिंक्स या 2 रेडियो लिंक्स की जरूरत है, तो आप ये लोड बैलेंसिंग कब करते हो? लोड बैलेंसिंग तो अभी ऐसा हो चुका है कि लाइक आपको हर जगह चाहिए, यू नो लाइक आप आज लोग मास कम यू नो लाइक मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा डिमांड में इंटरनेट है, मोर देन यू नो लाइक कोरोना की वैक्सीन जितनी डिमांड नहीं है उतना ज़्यादा इंटरनेट का डिमांड उससे ज़्यादा डिमांड है, राइट। तो नो आज की डेट में बोली लाइक होम आइसोलेशन के केस में भी लाइक ओनली वन ऑप्शन this COVID positive people have, that is like gadget, and if they are connected with the internet, so they are connected with all the people being in the home isolation also. So like they not want to disconnected from the internet. Yes, offices में तो must and should है क्योंकि उनका काम तो रुकना ही नहीं है, but हाँ घर के अंदर भी बहुत सारे लोग आज you know they not want to travel and they want to use कि मेरा disconnection नहीं है और बहुत सारे घरों में you know like even मेरे घर पे I use the 2 internet lines, one from Jio, one from ACT today. And both are the like one is 100 Mbps, another is 300 Mbps. तो मैं तो चाहता हूँ कि like मैं कभी भी इंटरनेट से डिस्कनेक्शन ही नहीं रहूँ और मेरा रेगुलर काम चलता रहे। लाइक मेरा ऑफिस का काम मैंने घर पे लिया हुआ है तो मेरा बैकअप फाइल्स वगैरह सब कुछ विदाउट इंटरनेट मेरा बैकअप फाइल्स वगैरह नहीं होगा। तो इट्स अप टू यू लाइक यू नो एक SMB कस्टमर है जहाँ पे 20 एम्प्लॉय कंपनी है एंड दे वांट टू बैकअप ऑल देयर एम्प्लॉय लैपटॉप्स एंड ऑल। So if your network is good, then you can able to do the perfect load balancing. You know, like every time at a moment you are keep taking data from your employees' laptops and all this must and should kind of things. और Ubiquiti में कौन से मॉडल्स के साथ ये सपोर्ट लोड बैलेंसिंग का सपोर्ट है? स्टार्टिंग आपको ER-X से भी लोड बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, ER-X SFP भी कर सकते हैं, ER-10 से भी कर सकते हैं, ER-4, ER-6, व्हाटएवर मॉडल यू कैन डू द लोड बैलेंसिंग, नो प्रॉब्लम। फेल ओवर भी कर सकते हैं आप, एक और एक यदि एक फेल हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली जंप कर लेगा। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, मीन्स लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताता हूँ ये वन ऑफ द सेफेस्ट जिसके साथ में DPI फीचर के साथ में लोड बैलेंसिंग हो रहा है। आप ब्रांड में जाएंगे तो ये कॉस्ट के इसके इसे 3 times कॉस्ट में भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओके ओके तो अभी आप थोड़ा DHCP सर्वर जो होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हो, ये आप बहुत यूज करते हो आप क्लाइंट्स के साथ? यस, तो DSAP लाइक व्हेन यू आप जैसे SMB यू नो SMB कस्टमर्स के पास में हम लोग जाते हैं, ठीक है, और अपने को हर एक मैनुअल पिंग लेना पड़ता है या लॉक लेने पड़ते हैं. If we deploy DSAP server specially, so then you know all the IPs. Example, आपके different employees हैं, आप कितना manually IP collect कर पाएंगे? So if you are deploy the DSAP server, then definitely you can able to track each and every IP into the single router. You will get all the logs through that IP. That is the main, you know, वो human manual work. It's got automated by technology. So what I understand DSAPs work like that actually. The human manual things need to load it, so वो उसको remove करता है DSAP servers. Okay. And lastly, edge routers में आप of course switch का function भी होता है कई models में. तो ये आप कब use करते हो? क्योंकि edge switches भी होते हैं, edge switch भी आप use करते हो, तो edge router में आप switch का use कब करते हो? edge router में जैसे edge switch है, तो edge switch में कह रहे थे कि आपके किसी भी client के पास में ज़्यादा ports हैं. हाँ. और एज राउटर बोले तो स्विचिंग कैपेसिटी इसके लिए दी हुई है क्योंकि स्पेशली फॉर द वीलैन पर्पस, स्पेशली वीलैन पर्पस भी ये स्विचिंग कैपेसिटी एज राउटर्स के अंदर दी हुई है. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका राउटर प्लस आपका स्विच एक ही डिवाइस में, इफ यू हैव अ स्मॉल नेटवर्क जैसे घर के जैसे होती है तो भी आप वीलैन वगैरह यूज करना चाहते हो, सो दिस इक्विपमेंट्स आर यू नो लाइक ER-X and ER-X SFP and ER-10 also compatible with the switching capacity also. Okay, yeah, thank you. So basically for our viewers, of course, edge router ऐसा एक device है जो enterprise में भी use होता है, SMB में भी use होता है, घरों में भी use होता है, large businesses, large companies में भी use होता है और ISPs के साथ भी use होता है. हमारा airMAX devices के साथ भी हमारा edge router edge switches का उपयोग होता है. तो edge router एक ऐसा product है जो पूरा रेंज में जो भी कस्टमर है उसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होगा एज राउटर से, इसलिए एक बहुत स्पेशल हमारा एक प्रोडक्ट लाइन है एज स्विच. तो थोड़ा एक हम एज राउटर ER-X और ER-X SFP के बारे में थोड़ा बात करेंगे क्योंकि आपने बोला कि ER-X तो हमारा आपके लिए बैकबोन है, सब क्लाइंट्स में आप ER-X तो रेकमेंड ही करते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट्स है? शायद आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे ब्रांड से या हमारे दूसरे प्रोडक्ट से, उसमें क्या बेनिफिट करता है? ER-X ज़्यादा बेनिफिट ये है कि ER-X लाइक सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इट इज़ कम विद ऑल द पोर्ट्स आर गीगाबिट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी इंटरनेट लाइन और आप इसके अंदर फेल ओवर भी कर सकते हैं, राइट, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेट आपको पूरे. सो आज की डेट में सब लोग गीगाबिट पे हैं एंड मोर ऑल द इंटरनेट इज मोर देन 100 Mbps, ठीक है. ER-X SFP इज वन ऑफ द बेस्ट यूजेस वहाँ पे होता है कि किसी का भी इंटरनेट थ्रू दे आर कमिंग विद द SFP पोर्ट. Okay, and they want to terminate the fiber into their home also. Example, using the one of the SFP module. So, which is like it can ER-X SFP is one of the most suitable into the passive network to the active network using this one. So, like example, बहुत सारे customer के gated community के अंदर people are using the you know like OLTs, FTTH solutions. So in that case, go for ER-X SFP. एंड बहुत जगह कस्टमर के यहाँ पे इथरनेट आता है लाइक टर्मिनेशन के लिए, वेयर वी आर यूजिंग द ER-X ओनली. सो बोथ आर द फीचर्स आर सेम बट द टर्मिनेशन ऑप्शंस आर डिफरेंट इन दैट केस. ओके, या थैंक यू. और फिर अभी हम थोड़ा ER-8 के बारे में बात करेंगे. आप बोल रहे हैं कि ER-8 भी आप यूज करते हो, ये कब यूज करते हो? ER-8 इज लाइक जैसे कोई बड़ा सा हमने ER-8 स्पेशली हमने कॉलेजेस के अंदर यूज़ किया है, हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस के अंदर ER-8 Pro, जहाँ पे अपने पास में दो फाइबर ऑप्शन दिया हुआ है और उन्होंने 8 इथरनेट दिया हुआ है. एग्जाम्पल बहुत बड़ा यू नो कॉलेज है जहाँ पे अराउंड 2 से 3,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, राइट, एंड वहाँ पे इंटरनेट का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, अटैच्ड विद द हॉस्टल आल्सो, राइट. सो तो टर्मिनेशन 5 to 6 लाइन आल्सो वी कैन एबल टू टर्मिनेट. और इसका क्या डीप पैकेट इंस्पेक्शन बहुत यू नो पैकेट साइज आर वेरी हाई, सो डिस्कनेक्शन मीन्स उनको डाउनलोडिंग अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जहाँ पे द स्टूडेंट्स आर कीप डाउनलोडिंग द मोर एंड मोर वीडियोज एप्लीकेशन एंड ऑडियो एप्लीकेशन मीन्स वीडियो एप्लीकेशन इन दैट एंड हाई वॉल्यूम ऑफ फाइल्स. So in that case, we prefer go for ER Pro. And again, I can say that like when we have high speed bandwidth को भी terminate करना है 1 Gbps के broadband connection also. तो in fiber also we have 2 options with them. So that is one of the most useful for ER Pro, and we can able to terminate around 6 lines in that internet lines. So 6 line internet lines, when you say 1 Gbps, 6 Gbps lines, you can able to terminate into single router. So okay, that's the most important thing what in that case. ओके गॉट इट. तो अभी हम थोड़ा शायद एज स्विचेस के बारे में बात करेंगे. पहले तो फीचर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि वैसे तो स्विचेस सब ब्रांड्स में स्विच होते हैं. यूनिफाई में भी हमारा स्विचेस है, यूनिफाई बहुत बड़ा स्विचेस का रेंज है, पर एज स्विचेस में स्पेशल क्या है, ये आप कब यूज़ करते हो, इसमें क्या है फीचर्स? इस स्विचेस में आपका बेनिफिट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको है ना ये 2 वर्जन में आते हैं, PoE एंड नॉन PoE के अंदर में, ठीक है. And when you are आप लोग जब एक्सेस पॉइंट देते हैं, कैमरा देते हैं, आप राउटर देते हैं, एक चीज मिसिंग होती है नेटवर्क के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्विचेस. तो जब ये सारे जब अपन दूसरे ब्रांड में चले जाते हैं तो एक ही कंट्रोलर के अंदर वी कांट एबल टू मैनेज ऑल द स्विचेस, हम एक ही कंट्रोलर के अंदर इन सबको नहीं देख पाते हैं. तो मेजर हम लोग जैसे आप अभी जैसे देखेंगे कि एज स्विचेस की फैमिली बहुत बड़ी है. दे हैव 10G स्विचेस आल्सो, ईच पोर्ट 10G फाइबर स्विचेस व्हिच इज लाइक 16-XG काइंड ऑफ थिंग्स. उसके बाद में दे हैव अराउंड 1 पोर्ट 12 पोर्ट यू नो लाइक फाइबर स्विच, वो भी है 12 पोर्ट फाइबर के साथ में है. तो यदि अपने को बैकबोन बनाना है और आपको हर जगह से बैंडविड्थ 10G बैकविड्थ का कनेक्टिविटी चाहिए लोकल एरिया के अंदर, सो यू कैन गो फॉर द 16XG जो हम लोग बहुत सारे कस्टमर के पास जा चुके हैं अभी के लिए. और बाकी आपके नॉन PoE स्विचेस में लाइट है और यू नो PoE स्विचेस में यू नो 250 वाट्स के साथ मिनिमम पावर के साथ में 24 पोर्ट्स हैं. तो आज की डेट में आप देखेंगे तो आप एदर यू गोइंग फॉर एनी IP4 या आप एक्सेस पॉइंट्स या एनी कैमरा जो उनका वाट्स वैल्यू रहता है 5.5 या 6.5, तो आप आराम से 20 टू 22 पोर्ट्स एक PoE बजट के अंदर आप मैनेज कर सकते हो. तो वाइडली यूज होता है. एंड अगेन इन सबका बॉडी यू नो एक थोड़ा सा इंडस्ट्रियल टाइप का है, तो आपको यू नो टेम्परेचर का भी इतना इश्यू नहीं रहता है, जैसे 40-42 डिग्री में भी है. सो स्विचेस आर वर्किंग वेरी गुड एंड दैट इज ऑल द फीचर्स कमिंग विद, इट्स नॉट L2, दे आर ऑल L2 प्लस स्विचेस. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट व्हाट द कस्टमर आर गेटिंग इट. एंड अगेन इसका कॉन्फिग्रेशन, इसका यू नो लाइक आप UNMS यूज कर रहे हो तो आप उसको कहीं से भी बैठ के क्लाउड के ऊपर मैनेज करके इनको पोर्ट कॉन्फिग्रेशन वगैरह आप कर सकते हो. तो ये सबसे ज्यादा यू नो लाइक हर बार आपको क्लाइंट के पास जाने की जरूरत नहीं रहती है कि विजिट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, विच सेव योर टाइम योर रिसोर्सेज आल्सो एज पर द यू नो प्रोवाइडिंग द मोर एंड मोर सॉल्यूशन. बट यस व्हेन वी अपन टोपोलॉजी जब बनाते हैं कि 10G फिर एक्सेस की साइड में 1G, तो इनके पास में एक्सेस स्विचेस भी हैं जो 10G अपलिंक के साथ में भी आ रहे हैं 48 पोर्ट. तो उसको आप डायरेक्टली 16 पोर्ट से कनेक्ट करके यू कैन मेक योर till the end, you can make it access also, you can make it 1 Gbps, there is no problem. Yeah, of course हमारा 16xg एक बहुत पावरफुल है जहाँ पे 10G का पोर्ट्स भी है. ये आप कौन से कस्टमर्स के साथ, ऐसे केस स्टडी आप कौन से कस्टमर्स के साथ यूज करते हैं, क्योंकि सब कस्टमर्स की इसकी जरूरत नहीं होगी, तो ये 16xg. यस जैसे ऑल द कस्टमर लाइक अब जैसे सिंगल फ्लोर वाले कस्टमर है तो वो लोग बोलते हैं कि लाइक इफ एक स्विच में अपलिंक 10G भी है तो आप वो 2 पोर्ट को कोर बना दीजिए और बाकी सारे को एक्सेस बना दीजिए. बट जैसे मल्टीपल फ्लोर्स के कस्टमर्स आते हैं जहाँ पे 200 टू 300 एम्प्लॉयज वाली कंपनीज हैं, मल्टीपल फ्लोर वाली है, जहाँ पे अपने को फाइबर हम लोगों को ले करना पड़ता है, तो हम लोग ये इसको एग्रीगेशन स्विच के जैसा यूज करते हैं मेन हब के अंदर. और वहाँ से फिर हम लोग ये 48 पोर्ट या 24 पोर्ट तो 10G अपलिंक है, उन लोगों को हम उन स्विचेस को इस स्विच के साथ में कनेक्ट करते हैं. तो मेजरली जहाँ पे हाई ट्रैफिक चाहिए और एम्प्लॉय की ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, जहाँ पे कम एम्प्लॉय हो, 200-300 एम्प्लॉयज, बट एवरीबडी वांट, उन केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ सबको चाहिए फॉर द स्पीड पर्पज, डाउनलोडिंग पर्पज के लिए. वहाँ पे दिस एग्रीगेशन स्विच सबसे चीपेस्ट और सबसे L2 प्लस मैनेज्ड फीचर्स के साथ में है ये वाला स्विच. ओके थैंक यू. हम बात किए थोड़ा कि सॉफ्टवेयर भी है हमारा UNMS सॉफ्टवेयर, जहाँ पे नॉट जस्ट airMAX, हमारा आउटडोर पॉइंट टू पॉइंट का भी कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट होते हैं, पर यूनिफाई सॉरी एजमैक्स का भी यहाँ पे बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब हर बार ये हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप जब आप कॉन्फ़िगर करते हो? यस यस यस, इनको करना ही पड़ेगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लाइक इनका यूएनएमएस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम लोग एज एप्लीकेशन के लिए करते हैं। इनकी मोबाइल ऐप भी है विच इज़ टोटली फ्री अवेलेबल है। ओनली द थिंग कि हम लोग उसको डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, तो इट विल बी मोर फ्रेंडली टू अस एंड बोथ द वर्जन में अवेलेबल है गूगल एंड ऐप स्टोर में, एंड वेरी सिक्योर्ड चीज़ें हैं। लाइक आप मेन बेनिफिट मोबाइल ऐप का की है कि लाइक इन योर ऑफिस ओनली यू कैन कॉन्फिगर ऑल दोज थिंग्स, एंड आपको जाके कस्टमर प्लेस पे जाके जस्ट आपको यू नो लाइक मोबाइल से कनेक्ट करके आपको सब डिवाइसेस को आपको वहाँ पे एक्सेस पे लगाना है, ओनली फिजिकल वर्क। तो बट यस इन योर ऑफिस ओनली यू कैन, आप होमवर्क खत्म कर लेते हैं आपका कि क्या प्रिपरेशन वो साइट के लिए चाहिए। तो ये एप्लीकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन यू कॉन्फिगरिंग द एट ऑफिस एंड अगेन गो एंड डिप्लॉइंग into the customer places, you can lead time will be very less at the customer side. You know आपको configure कभी firmware या challenges site पे बहुत रहते हैं, कभी internet नहीं रहता है, और internet रहे तो भी बहुत slow रहता है, और एक को करना customer side पे बहुत मुश्किल रहता है। Okay, this is the more application जहाँ पे हम लोग काफी ज़्यादा in-house configuration and upgradation करते हैं switches के लिए। Okay, no, that's good. I mean, it's of course ये पूरा हमारा सब software, सब free software है, सब licensing कुछ भी नहीं, licensing fees है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आप घर पे या work पे office पे आप पूरा काम करके एक बार client side जाके पूरा configure कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत quickly। तो ये of course हमारे viewers के लिए ये एक बहुत ही interesting और useful information है। तो बस ऐसे ही तो ऑफ कोर्स यूबिक्विटी का सपोर्ट भी है, आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल तो है, पर फिर भी आप हमारा हेल्प पेज पे जा सकते हैं help.ui.com पे, और हेल्प पेज में बहुत सारे आर्टिकल्स है, वहाँ से आप अपना कस्टमर टीम भी है 24/7 सपोर्ट टीम भी है, वहाँ से आप लाइव चैट भी शुरू कर सकते हो जहाँ पे आप हमारा टीम डायरेक्टली से बात कर सकते हैं। और हमारा कम्युनिटी पेज भी है community.ui.com पे, वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स R&D टीम यूजर्स पूरी दुनिया से ये वहाँ पे बैठ रहे हैं और यूजर्स को आंसर देते हैं। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी है या नहीं है, तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन। और ऑफ कोर्स यूबिक्विटी का इंडिया, प्लीज़ कीप इन टच विद अस। ऑफ कोर्स हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज भी है, आप ट्विटर पे हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा एक नया अभी टेलीग्राम का ग्रुप भी है यूबिक्विटी इंडिया, आप सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पे ओपन ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं यूबिक्विटी डिवाइसेस सॉल्यूशंस के बारे में। और ऑफ कोर्स हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे हम अभी बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, दूसरे भाषा में हम वीडियोज़ डालने वाले हैं। तो यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है यूबिक्विटी के लिए, और कुछ भी क्वेश्चन है तो हमारा ईमेल भी है india@ui.com, वहाँ पे भी आप ईमेल और डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच प्रफुल जी, होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है अभी, और आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो थैंक यू एंड होप यू आर स्टेइंग सेफ एंड एवरीथिंग। या एवरीवन शुड बी सेफ एंड थैंक यू एंड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।